हेलो एंड वेलकम टू ओल्ड वैकेंसी एंड जीके। ओल्ड वैकेंसी एंड जीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यू नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। वैकेंसी आई है हरियाणा स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन में, ठीक है। हरियाणा स्टेट में जो वैकेंसी आई है, ऑल इंडिया इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल वैकेंसी है 219 टोटल वैकेंसी है। इसकी लास्ट डेट है 25 जनवरी। चलिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये देखिए, ये एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है। एक पोस्ट सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप खुद नोटिफिकेशन देख सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर में, टोटल पोस्ट है 54 टोटल पोस्ट है। जनरल की है 26, एससी की 10 और बीसी की है 8 और बीसी बी की है 6 और एक्स सर्विसमैन की है 4, ठीक है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है मैं आपको सभी बताऊंगा। इसकी लास्ट डेट आप देख सकते हैं 25 जनवरी 2018 इसकी लास्ट डेट है। और ऑनलाइन फॉर्म फिल होंगे, ये सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म फिल होंगे, ठीक है। और ये फॉर्म 31/12/2017 से स्टार्ट हो चुके हैं, कल से जन की स्टार्ट हो चुके हैं। आप फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसकी वेबसाइट देख लीजिए, www.shsrlmonline.in पे। इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, वहाँ पे आप डायरेक्ट लिंक ओपन करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको मैं बता देता हूँ। ये रही क्वालिफिकेशन, डाटा एंट्री ऑपरेटर की क्वालिफिकेशन है। जहाँ तो आपके पास 10th+2 में 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर का, ठीक है। जहाँ अगर आपके प्लस टू में 50% मार्क्स नहीं है तो आपके पास ग्रेजुएशन है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने BCA BSc कंप्यूटर साइंस की है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। या अगर आपने 10th में 50% मार्क्स हैं और आपने 2 साल का मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर का कोर्स किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास इनमें से कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास 10th के साथ ITI है स्टेनोग्राफी की 60% मार्क के साथ, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इसकी एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं। तो इसकी एज आपको बता दूं, मिनिमम एज है 21, ठीक है, और मैक्सिमम एज है इसकी 35। तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं अगर आपकी एज इन इसके बीच में है, ठीक है। और जो जो बाकी पोस्ट हैं जैसे कि ब्लॉक क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, ठीक है, अगर आपके काम की हैं तो आप इसको नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा अकाउंटेंट की भी वैकेंसी है, उसमें एज 21 से 31 तक है, ठीक है। और आपको बैचलर डिग्री चाहिए कॉमर्स में, ठीक है, कॉमर्स में बैचलर डिग्री चाहिए आपको। और इसके साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अकाउंटेंट में। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है डाटा एंट्री ऑपरेटर में। तो इसका जो वेबसाइट है, जो आप वेबसाइट देख सकते हैं, इसको ओपन किया हुआ है। इसकी फ़ीस के बारे में आप जान लीजिए। जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की फ़ीस, वो है टोटल जनरल मेल कैंडिडेट के लिए 200, फीमेल के लिए 100। उसके बाद एससी है, जो हरियाणा के एससी हैं, उन मेल के लिए 100, एससी के लिए 50 रुपीज़। और बीसी के लिए है मेल के लिए 150 और फीमेल के लिए है 75 रुपीज़ ओनली। और जो अदर स्टेट वाले हैं, यानी कि हरियाणा स्टेट के दूसरी स्टेट वाले हैं, वो सिर्फ जर्नल में अप्लाई कर सकते हैं, ना कि एससी और बीसी में। उनको सिर्फ जर्नल में अप्लाई करना पड़ेगा और जर्नल की फ़ीस देनी पड़ेगी, ठीक है। लास्ट डेट इसकी 25 है। तो आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट है जहाँ पे नीचे अप्लाई का क्लिक करके आप अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो 25 तक, ठीक है। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप जहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए डिटेल, इंस्ट्रक्शन और क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की डिटेल, जहाँ कर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके रिलेटेड सिलेबस भी मैं आपको बता दूंगा क्या रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं इस चैनल पे आपको समय से मिल सके। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।